ईद की मुबारकबाद। आज 30 रोजे पूरे होने पर बेरी वाले सैयद पीर बाबा जी की जगह जामा मस्जिद बाबा फरीद में ईद की नमाज 9 बजे हुई। उसके बाद तमाम लोगों ने खुशियां मनाई और हाजी बाबा ने चाय बिस्कुट का लंगर लगाया और सभी लोग एक दूसरे से गले मिले। हाजी बाबा ने बताया कि ईद का त्यौहार अपने में बहुत अहमियत रखता है और आज के दिन दुश्मनों हो या दोस्त, सबसे मुलाकात करनी चाहिए। किसी के काम आना ही जिंदगी है और जिंदगी मोहब्बत का दूसरा नाम है। हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पर हम सब लोग मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं। इस मौके पर नगर कौंसलर गुलशन राय बॉबी, रमेश पाहवा सोनू और एडवोकेट सोनू अब्दुल्लापुरी, हाफिज जी, महबूब अली के अलावा और भी लोग हाजिर थे। डॉक्टर जीएस रूपाल ने भी अपनी हाजिरी लगाई, हाजी बाबा को मुबारकबाद दी। हाजी बाबा ने कहा, यह प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं अपनी लोहार मुल्तानी बिरादरी, बाबा फरीद सेवा समिति, तमाम नगर वासियों को, तमाम हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद देते हैं। आज ईद के उपलक्ष्य में यहाँ हाजी बाबा दिलशाद जी के पास पहुँचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सबसे पहले मैं ईद की सभी मुस्लिम भाईचारे को मुबारकबाद देता हूं। रमज़ान के 30 दिन रोज़े रखने के पश्चात आज ईद का दिन बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ हमारे जो भाईचारा है ये सेलिब्रेट कर रहा है। इनको बहुत बहुत मुबारकें। जिस मन से इन्होंने जो दुआ मांगी है, परमात्मा अल्लाह ताला उनकी इन दुआ को पूरा करे। दोस्तों, मैं हाजी बाबा दिलशाद फतेहगढ़ साहब, बहुत ही खुशी का दिन है आज ईद का दिन। तमाम नगर वासियों को और तमाम हिंदुस्तानियों को हमारी तरफ से ईद की शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारा देश एक ऐसा देश है जहां पर हम सब लोग मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं और एक दूसरे के दुख सुख में, खुशियों में शामिल होते हैं। आज हमारे यहाँ हमारे MC साहब, चेयरमैन साहब और सोनू जी MC साहब और हमारे सोनू साहब और तमाम कश्मीर के और तमाम एरिए के लोग आए और सब ने ईद की नमाज भी अदा की। और वैसे 30 रोजे माशाल्लाह अब के पूरे हुए, तो बहुत टाइम के बाद में बड़ा खुशी होती है कि 30 रोजे रखने के बाद में ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर जो भी होता है एक दूसरे से गले मिलते हैं। तो ये ईद का त्यौहार हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और इन हमारी खुशियों में और हम सब एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं। तो आज हमारे चेयरमैन साहब आए, MC साहब आए, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ और इसी तरह हमारा प्यार होता रहे। मैं हाजी बाबा दिलशाद फतेहगढ़ साहब, सोनू जी, मैं रमेश कुमार सोनू, मैं अपने वालों तो अपनी आम आदमी पार्टी वालों सारे मुस्लिम भाईचारे को ईद दी बहुत बहुत मुबारक दिंदा हाँ। यही संदेश दिंदा हाँ कि यह ईद का त्यौहार सारे नूं रल मिल के भाईचारा सारा इकट्ठा होकर मनाना चाहिए, तो इदा ही ये सारे एक दूजे नाल खुशियां साझियां करते रहन। डेरी वाले श्री जी बाबा जी पंडा के उत्ते पहुंचे हुए ईद के मौके के उत्ते और काफ़ी साडे इस्लामी भाईचारे के लोग जिहड़े ने ईद उल फितर मनाने वास्ते जमा हुए हुए ने, हाजी बाबा के प्यार में खिंचे हुए और मैं देखा लोगों के बहुत अच्छी खुशी थी। होवे भी क्यों ना खुशी, क्योंकि साल के बाद दिन आता है और इस दिन हर शख्स जोड़ा है एक दूसरे के गले मिल के मुबारकबाद करता है। मैं ये दुआ करदा परमात्मा अगे कि वो सा सारे का आपस के प्यार बना के रखे और ये वास्ते मिशन लैके हाजी बाबा जी बहुत लंबे अरसे तो एक चौथाई सदी हो गई मैंने देख रहा, तो यह इंसानियत जी है उन्होंने जोड़ के रखने वास्ते सारिया कोशिशा जिंदगी करते आ रहे हैं और मैं दुआ करदा कि इन्हों अल्लाह ताला लंबी उम्र दे और तंदुरुस्ती दे, इस तरह ही सानू आपस के मिला के मिलजुल के रहने की प्रेरणा करते रहें।